खबर के हवाले से नाजरीन अवां के अपडेट क्यों पिया सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाहली कालदम करार दे छड़ी आगे सुप्रीम कोर्ट जो चवना है सदानन दी नाहली ताहयात न हुंदी आगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 72 ताहयात नाहली खत्म करे छड़ी आगे सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाहली कालदम करार दे छड़ी आगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 61F तहत ताहयात नाहली के कालदम करार दे छड़ियो आहे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 61F के एफ तहत कालदम करार देनी वही आगे सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाहली कालदम करार दे छड़ी आहे सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदान दी नाहली ताहयात नाहे हुंदे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 61F तहत ताहयात नाहली के कालदम करार दे छड़ियो आहे ही ब्रेकिंग न्यूज अवां सां शेयर कयूं पिया आर्टिकल 61F तहत ताहयात नाहली के कालदम करार दे छड़ियो आहे सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाहली कालदम करार दे छड़ी आहे सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदान दी नाहली ताहयात न हुंदी आहे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 61F तहत ताहयात नाहली के कालदम करार दे छड़ियो आहे इन खबर जा वधीक अपडेट्स मालूम करण लाइ सराबतो कयो आहे इस्लामाबाद में सिन टीवी न्यूज जे ब्यूरो चीफ शाकिर सोलंगी सां शाकिर सुप्रीम कोर्ट पारां ही वॾो फैसलो अची वियो आहे छा अपडेट्स आहिनि सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाहली सां मुतालिक जेको फैसलो आहे उहो ॾेई छॾियो आहे महफ़ूज़ कयो वियो हो ज़मीनी फैसलो ऐं सियासतदाननि जी ताहयात नाहली जे हवाले सां वाज़े करे छॾियो आहे त ताहयात नाहली न हूंदी आर्टिकल 62(1)F तहत जेको नाहली सां मुतालिक जेको फैसलो हुयो समीला बलोच केस में ॾिनो वियो सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां उहो वापसि वरितो वियो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट क्लियर करे छॾियो आहे त इहो फैसलो जेको आहे उहो 6-1 जे तनासुर सां ॾिनो वियो आहे हिकु जज जस्टिस यया अफरीदी आहे उन अक्सरियत जे फैसले सां इख़्तिलाफ़ कयो आहे बाक़ी 5 जजनि जेको आहे इहो फैसलो ॾिनो आहे सुप्रीम कोर्ट जुमे ॾींहुं जेके आख़िरी समाप्त कई हुई ऐं इन ॻाल्हि में चीफ जस्टिस जेके रिमार्क्स ॾिना हुया उहे बि उन मां बि वाज़े थिए पियो त चीफ जस्टिस ऐं ॿिया जज जेके हुन जा साथी जज आहिनि उन्हनि जो माइंड जेको हुयो उहो न त हयात नाहली जे हवाले सां उहो क्लियर हुयो ऐं चीफ जस्टिस जेको आहे अॼु पंहिंजो फैसलो ॾेई छॾियो आहे हिन महिल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जेको आहे उहो सियासतदान जी नाहली ख़तमु करे छॾी आहे ऐं इन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ खे जेको वॾो रिलीफ़ जेको आहे उहो नवाज़ शरीफ़ खे मिलंदो ऐं जहांगीर तरीन खे छाकाणि त हुननि खे सज़ाऊं मिली चुकियूं हुयूं ऐं 5 साल सज़ा जे हवाले सां बि अञा क्लियर थियणो आहे सुप्रीम कोर्ट मां त नाहली जी मुदत केतिरी हूंदी पर नाहली ताहयात न हूंदी ऐं चीफ जस्टिस जेके रिमार्क्स ॾिना हुया उनमें इहो चयो हो त जेको वॾा ॾोहारी आहिनि जेकॾहिं को कतल जो ॾोहारी आहे या अगवा जो ॾोहारी आहे त उहो त जेल वञे थो त उहो सज़ा काटे मोटी अचे थो ऐं हुनजी सज़ा जी हिकिड़ो मुदत मुक़ररु आहे ऐं उहो मोटी अची इलेक्शन में हिसो वठी सघे थो पर जेकॾहिं हिकिड़ो कागज़ात नामज़दगी जेकॾहिं फॉर्म फिल करे थो या गोशवारा फिल करे थो उन में हिकिड़ो खानो रहिजी वञे थो या हू ॼाणे वाणे रहाए थो बदनीयती करे थो या कूड़ ॻाल्हाए थो त उन कूड़ जी एॾी वॾी सज़ा ग़लति बयानी थी ॾिजे त हुनखे ताहयात सॼी ज़िंदगी नाहल करे छॾिजे ऐं उहो जेकॾहिं तौबा क़ाइद थी अचे ऐं नेक ऐं पारसा थी अचे नेक निमाज़ी थी वञे बुज़ुर्ग थी वञे आलिम थी वञे आफ़िस थी वञे त छा हुन ते उहा शिक जेका आहे ताहयात नाहली वारी उहा रहण घुरिजे त इहा हिकिड़ी इहो हिकिड़ो जेको ॾिठो मयार आहे चीफ जस्टिस इहो ऐं ॿियनि जजनि जा बि अहिड़ा ई रिमार्क्स हुया ऐं इहो बि चयो हो त ही जेके शिकूं शामिल कयूं वयूं शादी ऐं अमीन वारियूं इहे आमिर जे दौर में ज़िया जे दौर में शामिल कयूं वयूं 1985 में ऐं ज़िया पंहिंजे लाइ इहे लागू न कयूं सियासतदान लाइ लागू कयूं वयूं ऐं सियासतदान छाकाणि त आसान टारगेट हुया आमिरनि जे लाइ इन जे करे ऐं ॿियो सादिक ऐं अमीन जे लाइ कंहिंजे लाइ कीअं थो चई सघिजे छा अटॉर्नी जनरल खां बि पुछियो त छा तव्हां पंहिंजे लाइ सादिक ऐं अमीन पाण खे डिक्लेयर करे सघो था मूंखे जेकॾहिं मां इलेक्शन में वञी विढ़ां बतौर काज़ी साहिबु चीफ जस्टिस चयो त जेकॾहिं मां वञी इलेक्शन लड़ां ऐं मूं ते को एतिराज़ करे त मां सादिक ऐं अमीन न आहियां त मां पंहिंजे दिफ़ा में कुझु नथो करे सघां त जेकॾहिं इहा शिक जजनि लाइ बि शामिल कई वञे हा त को हिन महिल असां मां को बि जज न हुजे हा ऐं इवन क़ाइदे आज़म बि जेकॾहिं हुजे हा त इन्हनि शिकुनि तहत उहो बि नाइल थी वञे हा त ही जेका शिकूं शामिल कयूं वयूं आहिनि इहे बदनीयती बुनियाद ते सियासतदाननि खे नाइल करण लाइ
कंट्रोल करने ला शामिल कई वही ये चीफ जस्टिस इंडियन मोसेस जजन जहाँ रिमार्क्स हुआ अज समीला केस जो फैसलो समीला बलोच जो जो केस जो फैसलो हो वो भी सुप्रीम कोर्ट दिनों जैमें सुप्रीम कोर्ट तयन किया आर्टिकल 62 और 63 जो है उनमें तयन को मुद्दत जो जो नाइली होंगी वह केतरे अर्से ला होंगी इन के सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह कर सुप्रीम कोर्ट जो कम है सुप्रीम कोर्ट तशरीह कहते हैं समीला बलोच के समेत जो है नाइली की मुद्दत तहयात कर छी जे वकील दलील दिना सुप्रीम कोर्ट में जे मुआवन सुप्रीम कोर्ट मुकर्र क्या उन मुआवन भी सुप्रीम कोर्ट के यो मशवरो दिनों तो जैसी ताई समीला बलोच केस वापस न वी सुप्रीम कोर्ट यानी पंजो ही दिनल केस सुप्रीम कोर्ट वापस न वी तेसी ताई ताहयात नाली के तब्दील नो कर ही कोई साबे कानून से तब्दीली नी कर सके या आईन में तरमीम थी सके थी या सुप्रीम कोर्ट पांजो फैसलो वापस वे तो सुप्रीम कोर्ट अज पांजो फैसलो वापस वी ताहयात नाली की जो मुद्दत हुई वह खत्म कर छी है जी। अच्छा शाकिर 70 रुकनी की बेंच इन फैसले के लिए जोड़ी वही हुई पर ही बुधण में यो पे अचे त जस्टिस यहया अफरीदी पारा इन अक्सर फैसले सा इख्तलाफ जाहिर के वाहिद हवाले सा छापे बुधण पे अचे छह जजन यो फैसलो दिनों है सत्तर रुकनी बेंच में जस्टिस यहया अफरीदी अक्सरियती बेंच अक्सरियती जज हैं उन्हें इख्तलाफ रखो है इख्तलाफी नोट अजा सामू ना आया इख्तलाफी नोट सामू ही तो क्लियर थो तो जस्टिस यहया अफरीदी पे इख्तलाफी नोट में लिखो है पर जे बाकी छह जज हैं उन्होंने इतफाक राय से यो फैसलो दई छो है कें भी इन एतराज न किया इख्तलाफ न किया मासवाय जस्टिस यहया अफरीदी के बया जे मुअज़्ज़िज़ जज हैं उन्होंने भी क्लियर जे उन्हें रिमार्क्स इंदा रहा इन मल ते समातू जो बुधनी थी रही उन्होंने उसे भी चीफ जस्टिस बया जे मुअज़्ज़िज़ जज हैं उन्होंने रिमार्क्स भी अड़ा ही हुआ जो अज फैसलो आयो है सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाली चीफ जस्टिस यो भी क्लियर कर इलेक्शन मथों सर पे है अस इनके डिले भी ना कर सकूं इनके घो तवील से ती हलए भी ना सकूं असें केस जो फैसलो 11 जनवरी का पे करो है तो जी ही जो प्रोसेस है इलेक्शन जो यो मुतासर न थे इनके तजिया निगार या जे आजाद जरिया जो इनके खोड़ सारा नवाज शरीफ से लिंक कंदा रहा पर चीफ जस्टिस यो भी तो सोशल मीडिया से खोड़ सारी शूं लिंक कई पी वन तो उनके केयर कंट्रोल कंदो यो तासुर दियण यो ठीक ना है जो सोशल मीडिया से तासुर दिनों पे वही चीफ जस्टिस इनकी भी जो वो इशारतन एक वजाहत कर छी तो यो नवाज शरीफ के लिए ना नालो तो खी नवाज शरीफ न वरतो पर जो वकील हैं उन्हें नवाज शरीफ का नालो जरूर वरतो तो नवाज शरीफ की नाइली जो है वह ताहयात न होजन घुर्जे इन केस से नजरसानी थन घुर्जे तो यह नजरसानी कई है सुप्रीम कोर्ट ए छह जजन में इतफाक से यह फैसलो दिनों है एक जज जस्टिस यहया आफरी जो है उन छह जजन के इन फैसले से इख्तलाफ किया है जी। अच्छा शाकिर इतने यो भी पुछण चाहिंदी जो वो फैसलो आयो है इन नवाज शरीफ जहांगीर तरीन से ताहयात नाहली इन वक्त खत्म थी आगे बेन कहन सियासतदान के इन फैसले से फायदो थो ो ही फिलहाल मियाँ नवाज शरीफ की नाइली हुई जहांगीर तरीन की नाइली हुई जी पीटीआई के दौर में थी इलेक्शन न पाया वही सदन में मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अजा तक इन में इंतजार में हो मियाँ नवाज शरीफ बेन केसन में जो अल अजीजिया जो केस हो या बया जो रेफरेंस हुआ उन्हीं में तो मियाँ नवाज शरीफ के रिलीफ हाई कोर्ट में मिली वो पर ही केस तो सुप्रीम कोर्ट में लगल हो जैसी तीन केस जो फैसलो न हो अचू तेसी तीन जहांगीर तरीन नवाज शरीफ बई इलेक्शन में हिस्सों न पाया वी सकन तो सुप्रीम कोर्ट जो समीला बलोच केस जो है वो मौजूद हो वो जो है उनके केस के बुनियाद से जो है ताहयात इनकी नाइली डिक्लेयर कई पी वे पर अज सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर छो है तो चीफ जस्टिस जो यो चवण है तो बाबा एकड़ो चूंडियल अवाम जो नुमाइंदो है जैके अवाम मुंतखिब करे तो वो इलेक्शन अग में भी विढ़ो रो है वो एकड़ो खानू जो फिल कर रहजी तो वे तो उनके तुम एडी वी सजा दई छो तो वह ताहयात नाइल थी वे यो सियासतदान के सिर्फ इंतकाम जो निशानो बनाने लाइ ये शिकूं शामिल कई वही चीफ जस्टिस स्पेशली यो भी इस्तफसार कयो वकीलन का ही शिकूं जो आर्टिकल
ॿाहठि टेहठि में ॿियूं जेके शिकूं शामिल कई वियूं आहिनि उहे कहिड़े दौर में शामिल कयूं वयूं, त चीफ जस्टिस खे ॿुधायो वियो त ही 1985 में शामिल कयूं वयूं। चीफ जस्टिस पुछो हुन महिल हुकमरान केरु हुयो, त ॿुधायो वियो त ज़ियाल हक़ हुयो, त चीफ जस्टिस हुनखे ज़ियाल हक़ जे ख़िलाफ़ बि सख़्तु रिमार्क ॾिना। चीफ जस्टिस चयो त ज़ियाल हक़ पाण कहिड़ो सादिक ऐं अमीन हुयो जंहिं आइन जे पासदारी जो हलफ़ खयूं ऐं आइन खे उन तोड़ियो ऐं उनखां पोइ आइन में तरमीमूं कयूं, त हू जॾहिं आइन जी पासदारी जो हलफ़ खणी आइन हुन टोड़ियो त हू त कयो सादिक अमीन न रहियो। त हुन ते चीफ जस्टिस वकीलनि खे बि चयो त हिकु आमिर जे ख़िलाफ़ को ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे, ऐं आमिर गन पॉइंट ते पार्लीमेंट खां तरमीमूं बि कराईंदा रहिया आहिनि ऐं पार्लीमेंट खे थ्रेट कंदा रहिया आहिनि त जेकॾहिं पार्लीमेंट ही तरमीमूं न कंदी त हू 25 साल वेठो हूंदो, 30 साल वेठो हूंदो। ऐं चीफ जस्टिस चयो त मूंखे ख़बर आहे, असां ॾिसंदा रहिया आहियूं त पार्लीमेंट सां गन पॉइंट ते बि तरमीमूं करायूं वेंदियूं रहियूं आहिनि, ऐं इन जे करे चीफ जस्टिस जेको आहे उहो पार्लीमेंट जे अहमियत खे पार्लीमेंट खे अहमियत ॾियण जे हवाले सां चीफ जस्टिस पंहिंजे रिमार्क्स में ज़ोर ॾींदो रहियो, जेके समातूं थींदियूं रहियूं उन्हनि में, ऐं सियासतदाननि खे जेको आहे इंतिज़ाम जो निशानो बणाइण जे हवाले सां बि चीफ जस्टिस बरहम नज़र आयो, त सियासतदाननि खे जेके आमरनि जेके गैर आइनी इक़दाम आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जे बुनियाद ते सियासतदाननि खे जेकॾहिं टारगेट कयो वञे, उन्हनि खे इंतिज़ाम में निशानो बणायो वञे, त इहो दुरुस्त अमल न आहे। त अॼु चीफ जस्टिस ऐं उनजे ॿियनि साथी जजनि जेको आहे 6 जजनि इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त ताहयात नाहिली सियासतदाननि जी न थींदी, ऐं नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन जी हाणे ताहयात नाहिली जेका उहा ख़त्म थी वई आहे, ऐं नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन ॿई हाणे इलेक्शन में हिसो वठी सघंदा। ठीकु आहे शाकिर, वॾी महिरबानी अवांजी। नाज़रीन, अवांखे हिन वॾे फ़ैसिले जे हवाले सां हिकु भेरो ॿीहर आगाही ॾींदा। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाहिली कालदम करार ॾेई छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदारनि जी नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत ताहयात नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो। 17 रुकनी बेंच पारां इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली कालदम करार ॾेई छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदाननि जी नाअहली ताहयात नाहे हूंदी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत ताहयात नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो। नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन तां ताहयात नाअहली ख़त्मु थी वई आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं पिया हिन वॾे फ़ैसिले जे हवाले सां। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली कालदम करार ॾेई छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदाननि जी नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत ताहयात नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो। इंतिहाई वॾी ख़बर अव्हां सां शेयर कयूं पिया। वॾो फ़ैसिलो अची वियो आहे सुप्रीम कोर्ट पारां। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली कालदम करार ॾेई छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदारनि जी नाअहली ताहयात नाहे हूंदी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत ताहयात नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो। इंतिहाई वॾी ख़बर अव्हां सां शेयर कयूं पिया सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली कालदम करार ॾेई छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदारनि जी नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो। इन फ़ैसिले खां पोइ नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन तां बि ताहयात नाअहली ख़त्म थी वई आहे, ऐं हू चूंड विढ़ी सघनि था, इलेक्शन में हिसो वठी सघनि था। ही वॾो फ़ैसिलो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट जो अची वियो आहे। इन हवाले सां मां खे अपडेट कयूं पिया। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली कालदम करार ॾेई छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदाननि जी नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत ताहयात नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो आहे। 17 रुकनी बेंच पारां इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। चीफ जस्टिस जो चवण आहे त इहो जेको सियासतदाननि खे नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। इन फ़ैसिले खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जे वॾे फ़ैसिले खां पोइ नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन तां नाअहली ख़त्मु थी वई आहे, हू इलेक्शन में हिसो वठी सघनि था। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदाननि नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत ताहयात नाअहलीअ खे कालदम करार ॾेई छॾियो। 17 रुकनी बेंच पारां इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदाननि जी नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। इन वॾे फ़ैसिले खां पोइ नवाज़ शरीफ़ जहांगीर तरीन खे वॾो फ़ाइदो थी वियो आहे। ताहयात नाअहली उन्हनि तां ख़त्म थी वई आहे, ऐं हू इलेक्शन में हिसो वठी सघनि था। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली खे कालदम करार ॾेई छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवण आहे त सियासतदाननि जी नाअहली ताहयात न हूंदी आहे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F तहत ताहयात ना
नाहली के काल अदम करार दे छो सत रुकनी बेंच पारा यो फैसलो बुधा वो है वही खबर आवाज से शेयर क्यों पे अपडेट क्यों पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(a) तहत आयात नाहली के काल अदम करार दे छो है इंतहाई वही खबर के हवाले से अवां के अपडेट क्यों पाया सुप्रीम कोर्ट तहत नाहली काल अदम करार दे छी है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली तहत न होंगी नाजरीन अवां के अपडेट क्यों पाया सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली काल अदम करार दे छी है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(a) तहत ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो है सत रुकनी बेंच पारा यो फैसलो बुधा वो है इन वे फैसले का नवाज शरीफ जहांगीर तरीन ताहियात नाहली खत्म थी है बई इलेक्शन में हिस्सों वी सा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(a) तहत ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है सत रुकनी बेंच पारा ही वो फैसलो बुधा वो है सियासतदान की नाहली जो मुद्दों 5 साल हों वो फैसलो बुधा वो है इन हवाले से नाजरीन नवा के अपडेट कंदा पाया हलूँ फैसले बाद नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहियात नाहली खत्म थी वही इलेक्शन में हिस्सों वी सा सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली काल अदम करार दे छी है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(a) तहत नाहली के काल अदम करार दे छो सत रुकनी बेंच पारा ही वो फैसलो बुधा वो है इन फैसले बाद नवाज शरीफ जहांगीर तरीन नाहली खत्म थी वही इलेक्शन में हिस्सों वी सा अवां के अपडेट क्यों पे वही खबर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली काल अदम करार दे छी है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(a) तहत ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो 5 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच पारा यो फैसलो बुधा वो है इन फैसले तहत नवाज शरीफ जहांगीर तरीन ताहियात नाहली खत्म थी वही है इलेक्शन में हिस्सों वी सा ही वही खबर नाजरीन अवां से शेयर क्यों पे अवां के इन खबर के हवाले से एक भेरों बीहर आगाही दिंदा हलो तो सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(a) तहत ताहियात नाहली के काल अदम करार दिनों वो है 7 रुकनी बेंच पारा यो फैसलो बुधा वो है वही खबर के हवाले से अवां के अपडेट क्यों पा इन फैसले तहत नवाज शरीफ ए जहांगीर तरीन ताहियात नाहली खत्म थी वही है हू इलेक्शन में हिस्सों वी सा सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली काल अदम करार दे छी है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(a) तहत ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो है 7 रुकनी बेंच पारा यो फैसलो बुधा वो है इन फैसले तहत नवाज शरीफ ए जहांगीर तरीन नाहली खत्म थी वही है हू इलेक्शन में हिस्सों वी सा सुप्रीम कोर्ट पारा ही वो फैसलो नाजरीन दिनों वो है सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो है सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो है इन हवाले से पा तजिए राबो किया नाले बारे तजिए निगाह शाहब ओस्तो शाहब साहब अस्सलाम वालेकुम शाह बोस्तो साहब सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है इन फैसले के अभी क्या ऐसो शाह बोस्तो साहब आवाज अचे पो असो सुप्रीम कोर्ट जो वो फैसलो आयो है इन हवाले से आगाही दीजो सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाहली के काल अदम करार दे छो है सुप्रीम कोर्ट जो चवण है तो सियासतदान की नाहली ताहियात न होंगी है इन फैसले के अभी क्या ऐसो गुजारिश कई तो वक्त सारी दुनिया में अड़े किस्म जो को भी कानून है जिते भी आईनी हुकूमत है जिते भी आईनी या कानूनी हुकूमत है कानूनी आईनी निजाम राय है किथे भी अड़े किस्म जो को अड़ी का सजा को जैसा कंखे तुम ताहियात नाहल कर छो तो इलेक्शन में नो बी सके पब्लिक ऑफिस नो होल्ड कर सके यो जो कानून हो यो उन वक्त जो आमिर हो जियाउल हक उन यो आम मुतारिफ कराया हो जिन्हें मकसद यो ही हो तो इनके
इस्तेमाल करे सियासतदानन के एक्शंस मां बाहर कढ़जे उन्हें विक्टिमाइज कज खुद सुप्रीम कोर्ट जो जो यह तशरी है यहां भी हमें गलत साबित थी इन पैरों भी सुप्रीम कोर्ट पां ही फैसले के जै नवाज शरीफ वो फैसलो जै जज साहब लिखो हो उन ही जज साहब बाद में पांजी ही जो सो तशरी जो नो जो सो फैसलो कर फैसल वाडा के केस में जैमें उन्होंने 5 साल करार दिनों इन पैरों खाकवानी के केस में जैसे भी डिस्कस कर सुप्रीम कोर्ट में तमाम घड़ा सवाल उठा रहा हुआ तुम कि तयन कर सो तो केर ईमानदार है केर जो सो सादिक अमीन है सचो है यो एकड़ी कोर्ट जो कि साबित करे ये खाकी बवाल जैसे कें सजा थी अचे सजा भली खड़ी मुल्क से गद्दारी की हो तो उनके भी तुम 5 साल सिर्फ जो सो नाहल था करार दियो इतने तुम एक अड़े तस्वर से जो को कोर्ट वट को अड़े किस्म जो को तरीको ही को यो साबित कर सके तो मां सचो हाँ मां ईमानदार आया मां साबिक आया उनके कोर्ट सारी जिंदगी ला नाहल थी बनाए छे तो इंतहाई समझा तो बेवकूफाना फैसलो हो एब्सर्ड फैसलो हो इन करो हाँ सुप्रीम कोर्ट इनके तब्दील किया जो भी टाइम दसों पूरा पढ़ो को यो जो ऑर्डर आयो है उनमें घन साल की ना हली पर जैसे 5 साल की भी है तो वो भी बिल्कुल समझा तो जो 63 जहा मुख्तलिफ शिकू हैं जैमें 5 साल 3 साल 2 साल मुख्तलिफ सजाऊँ हैं अड़े किस्म जो ही इतने होजन घुर्जे यो कम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो को तो जिते कानून में का शय दिनल को उनकी तशरी कर सजा पा मुकर कर सुप्रीम कोर्ट हुए या का भी अदालत हुए वहाँ कानून हों के ही उनकी तशरी कहना उनमें पांजे तरफ का लफ्ज को विझा या वो जो विझा भी आन तो उन कानून के वाजे कर विझा तो ये तो इन बिल्कुल कानून ही बदले छो इन तो पांजे तरफ का खास उन दौर में तुम याद आ तो इमरान खान के फायदो दियण हो नवाज शरीफ के कढ़ो हो एस्टैब्लिशमेंट जो दबा हो तो ये सियासी फैसलो हो या खुशी की गाल है तो हाँ ये अड़े किस्म जहाँ फैसला हुआ आमराना दौर जहा उन हाँ बेहद रिव्यू तो कर वे उन नजरसानी भी कई वे उन गलतियों के खत्म तो कर वे तो यो सही फैसलो ठीक है वही शाह भोस्तो साहब तस्दी देने।